बेरोजगारी हाय हाय, बेरोजगारी हाय हाय, जम्मू कश्मीर सरकार हाय हाय, जम्मू कश्मीर सरकार हाय हाय, जेएके संशोधन हाय 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 हाय, युवा विरोधी कानून वापिस लो वापिस लो वापिस लो, युवाओं के साथ खेलना बंद करो बंद करो बंद करो, युवा विरोधी कानून वापिस लो वापिस लो वापिस लो, बेरोजगारी हाय हाय, बेरोजगारी हाय हाय, युवा विरोधी कानून वापिस लो वापिस लो वापिस लो, बेरोजगारी हाय हाय, बेरोजगारी हाय हाय। आज हम सारे जो जम्मू कश्मीर सरकार ने जो ये कानून पारित किया है, पब्लिक सर्विस कमीशन और जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की सारी पोस्टें वापिस ली है, और बच्चे आज जम्मू कश्मीर का नौजवान आज मायूस है, परेशान है कि ये जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कैसा तुगलकी फरमान फतवा जारी किया है, जिससे हमारे बेरोजगार नौजवानों का मुस्तकबिल बर्बाद कर दिया है। इन्होंने सारी 31 अगस्त 2019 से पहले वाली जितनी भी पोस्टें थी वो सारी की सारी वापिस ले ली, और लाखों करोड़ों रुपए पब्लिक सर्विस कमीशन ने हमारे गरीब दूर दराज के बेरोजगार नौजवानों से इकट्ठे किए थे, और आज एलजी मनोज सिन्हा साहब आपके सारे दावे गलत हो गए, अमित शाह के दावे गलत हो गए, प्रधानमंत्री जी के दावे गलत हो गए, जो ये कहते थे कि 5 अगस्त 2020 के बाद जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी दूर की है, बहुत सी नौकरियां मिली है, फीस है, रिक्रूटमेंट हो रही है, डेवलपमेंट हो रही है, सारे खोखले नारे आज साबित हो रहे हैं। इसीलिए आज इस सरकार के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब के इस फैसले के विरोध में ये हाथ खड़े करके सारे बेरोजगार नौजवान ये संदेश भेज रहे हैं कि जो ये कानून और फतवा आपने जारी किया है इसे वापिस ले। आपने हमारे जम्मू कश्मीर के बेरोजगार नौजवानों के साथ एक विश्वासघात धोखा दिया है, और इसके साथ साथ बच्चे तैयारी कर रहे थे पिछले 5-10 सालों से, और इसके साथ साथ एजुकेशन लोन लिए हुए थे, ओवर एज हो रहे हैं, इसके लिए एलजी मनोज सिन्हा साहब कौन जिम्मेवार होगा? बेरोजगारी हाय हाय, बेरोजगारी हाय हाय, जम्मू कश्मीर सिलेक्शन बोर्ड हाय 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 हाय, जम्मू कश्मीर सरकार हाय 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 हाय। आज जो मिशन स्टेटहुड जम्मू कश्मीर जो ये प्रदर्शन कर रहा है जम्मू कश्मीर सरकार के उस फैसले तुगलकी फरमान और फतवे के विरोध में ये प्रदर्शन कर रहा है, जो कर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब की सरकार ने जो ऐसा एक हुक्मनामा जारी किया है जिसमें जितनी भी सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में और पब्लिक सर्विस कमीशन को जितनी भी 5-10 सालों से पुरानी जिसके लिए बेरोजगार नौजवानों ने अपने पड़े हुए अपने फॉर्म भरे थे वो सारी पोस्टें विड्रॉ कर ली है, और हमारे जितने भी बेरोजगार नौजवान हैं उनके भविष्य के साथ एक धोखा विश्वास घात किया है, और साथ में बच्चों ने तैयारियां की हुई थी, एजुकेशनल लोन लिए हुए थे, आज बच्चे वो ओवर एज हो रहे हैं, लेकिन एलजी मनोज सिन्हा साहब और जो 5 लाख नौकरियां देने का वादा अमित शाह ने अभी कल किया था जम्मू कश्मीर की वर्चुअल मीटिंग में, और जो 50,000 पोस्टें 1 लाख पोस्टें इसका मतलब वो सारा धोखा था, जम्मू कश्मीर के बेरोजगार नौजवानों के साथ आप धोखा कर रहे थे, और इसी के विरोध में आज ये सभी के सभी लोग सड़कों के ऊपर प्रदर्शन कर रहे हैं, और इस तुगलकी फरमान को वापस लिया जाए, अन्यथा एक जन सलाब आएगा। आपने बॉर्डर बटालियन के बच्चों के साथ, CISF PSF के बच्चों के साथ, PHEPDD PWD डेली वेजर रैबरे के टीचर के साथ, सेहत SPO के बच्चों के साथ बहुत बड़ा एलजी मनोज सिन्हा साहब आप धोखा किया है, और आज यही बच्चे हाथ खड़े करके ये संदेश आपको भेज रहे हैं कि हमारे साथ धोखा मत कीजिए, हम ओवर एज हो रहे हैं, और हमारे भविष्य के साथ ये जो आपने ऑर्डर पारित किया है ये आपने हमारे भविष्य का फ्यूचर का डेथ वारंट जारी किया है, ये ऑर्डर नहीं है, ये धोखा है, विश्वासघात है,
केंद्र सरकार का और भारतीय जनता पार्टी की सरकार का जम्मू कश्मीर के बेरोजगार नौजवानों को। Never miss an update.